नमस्कार दोस्तों, सीमा स्टडी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और आज हम राजस्थान के इतिहास में प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। हमने 16 क्वेश्चन पहले वीडियो में कर लिए हैं, आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, लाडमू निवासी किस व्यक्ति को डाबड़ा गांव में किसान आंदोलन करने के आरोप में 13 मार्च 1947 को जमींदारों के द्वारा गोली मरवा दी गई। राइट आंसर चुन्नीलाल शर्मा। डाबड़ा गांव कहाँ पर था? डिडवाना परगना नागौर में डाबड़ा गांव स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस बहादुर क्रांतिकारी नेता ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंककर अद्भुत वीरता का परिचय दिया था? जोरावर सिंह बारट। सही राइट आंसर। चांदनी चौक दिल्ली में जोरावर सिंह बारहट, बसंत कुमार विश्वास और प्रताप सिंह ने बम फेंका था। तो राइट आंसर है जोरावर सिंह बारहट। गुंडाराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सागरमल गोपा। सही राइट आंसर। सागरमल गोपा ने 3 पुस्तकें लिखी, एक तो गुंडाराज, दूसरी आज़ादी के दीवाने और तीसरी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। सागरमल गोपा ने कितनी पुस्तकें लिखी? 3, गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। अगला क्वेश्चन, इकतीस दिसंबर 1945 ईस्वी में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ था। 31 दिसंबर 1945 ईस्वी में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का सातवां अधिवेशन कहाँ हुआ था? उदयपुर। ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंग्रेजों से प्राप्त राय बहादुर की उपाधि राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने वापस लौटा दी थी? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को राजस्थान का भामाशाह, गांधी जी का 5वां पुत्र और गुलाम नंबर 4 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर एक्ट कब पास हुआ? 1944 ईस्वी में बीकानेर एक्ट पास हुआ। अगला प्रश्न, बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया? 27 अक्टूबर 1944। दैट इज राइट आंसर। डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ 1944 और किसने किया? भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबाई का संबंध किस गांव से है रास्तापाल और रास्तापाल कहाँ पर है? डूंगरपुर। बेज राइट आंसर। निम्नलिखित में से असंगत है, तो बै क्या
निम्नलिखित में से असंगत है, तो राइट आंसर ब। सेठ दामोदर दास राठी ब्यावर अजमेर के थे। कहाँ के थे? ब्यावर अजमेर, चित्तौड़गढ़ के नहीं थे वे, कहाँ के थे? ब्यावर अजमेर। तो राव गोपाल सिंह खरवा, वो खरवा ठिकाने के थे। खरवा ठिकाना कहाँ पर था? अजमेर। खरवा ठिकाना कहाँ पर था? अजमेर। तो राव गोपाल सिंह खरवा अजमेर ठिकाने के रहने, खरवा ठिकाने में अजमेर के रहने वाले थे। सेठ दामोदर दास राठी ब्यावर के थे, और ब्यावर अजमेर के। केसर सिंह बारठ शाहपुरा भिलवाड़ा, केसर सिंह बारठ कहाँ के थे? शाहपुरा भिलवाड़ा। और अर्जुन लाल सेठी कहाँ के थे? जयपुर। तो ये तीन तो सही है, और चौथा तो ये बै गलत है। तो बै इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 दिन तक जनता का राज रहा था? कोटा। सही इज राइट आंसर। कोटा सही इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र नवजीवन कहाँ से प्रकाशित होता था? समाचार पत्र नवजीवन कहाँ से प्रकाशित होता था? उदयपुर से। समाचार पत्र नवजीवन कहाँ से प्रकाशित होता था? उदयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार थे, यदि मैं राज्य की नौकरी करूँगा तो अंग्रेजों को देश से भारत को निकालेगा। यदि मैं राज्य की नौकरी करूँगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? यह किसने कहा था? अर्जुनलाल सेठी ने। यह किसने कहा था? अर्जुनलाल सेठी ने। बै इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पहले क्रांतिकारी नेता अर्जुन लाल सेठी जिनके द्वारा राजनीतिक चेतना पैदा की गई, जयपुर में। कहाँ पैदा की गई? जयपुर में। अर्जुन लाल सेठी के द्वारा राजनीतिक चेतना कहाँ पैदा की गई? जयपुर में। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी समर्थदान, मनीष नहीं है, मुंशी। मुंशी समर्थदान को राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, राजस्थान समाचार। ए इज राइट आंसर। मुंशी समर्थदान को राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, राजस्थान समाचार। ए इज राइट आंसर। इस वर्ष उदयपुर के प्रजामंडल अधिवेशन में विजयलक्ष्मी पंडित व आचार्य जेबी कृपलानी ने भाग लिया था? किस वर्ष उदयपुर के प्रजामंडल अधिवेशन में विजयलक्ष्मी पंडित व आचार्य जेबी कृपलानी ने भाग लिया था? 1941 ईस्वी। बै इज राइट आंसर। राजस्थान समाचार पत्र कब शुरू किया गया था? 1889। राजस्थान समाचार पत्र कब शुरू किया गया था? 1889 ईस्वी में। सही इज राइट आंसर। और राजस्थान समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मुंशी समर्थदान। किसने शुरू किया था? मुंशी समर्थदान। समर्थदान और कब शुरू किया था? 1889 में। और कहाँ शुरू किया था? अजमेर में। कहाँ शुरू किया था? अजमेर में। तो सही इज राइट आंसर। नेक्स्ट, डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन 1944। डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन 1944 में किस नेता द्वारा किया गया? भोगीलाल पांडा। ए इज राइट आंसर। मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक थे
चांदमल सुराणा, मारवाड़ी इतानी सभा के संस्थापक कौन थे? चांदमल सुराणा, दैट इज राइट आंसर। राजस्थान सेवा संघ 1921 में किस समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया था? राजस्थान सेवा संघ द्वारा 1921 में कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था? तरुण राजस्थान, सही इज राइट आंसर। वर्ष 1946 में राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु राजस्थान के किस शासक ने सभी राजाओं के राजाओं का सम्मेलन बुलाया था? सभी राज्यों के राजाओं का सम्मेलन बुलाया था। वर्ष 1946 में राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु राजस्थान के किस शासक ने सभी राज्यों के राजाओं का सम्मेलन बुलाया था? मेवाड़ महाराणा, ए इज राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में स्थापित संस्था का नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में कौन सी संस्था का की स्थापना की? परोपकारिणी सभा, सही इज राइट आंसर। नैनूराम शर्मा किस आंदोलन से संबंधित है? बूंदी प्रजामंडल। नैनूराम शर्मा किसे संबंधित थे? बूंदी प्रजामंडल, दैट इज राइट आंसर। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931। और किसने की? कांतिलाल चौथाणी ने। किसने की? कांतिलाल चौथाणी ने। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का संबंध राजस्थान से नहीं है? किस क्रांतिकारी का संबंध राजस्थान से नहीं है? छबील दास का संबंध राजस्थान से नहीं है, सही इज राइट आंसर। मदनलाल ढींगड़ा, रामनारायण चौधरी और श्यामजी किशन वर्मा का संबंध तो राजस्थान से था, लेकिन छबील दास का संबंध राजस्थान से नहीं है, तो सही इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सिरोही, डूंगरपुर, मेवाड़ व बांसवाड़ा में किसके द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया? सिरोही, डूंगरपुर, मेवाड़, बांसवाड़ा में किनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया? स्वामी गोविंद गुरु, दैट इज राइट आंसर। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह, सही इज राइट आंसर। होम रूल आंदोलन एवं आर्य समाज की एक शाखा की स्थापना ब्यावर में किसके द्वारा की गई? होम रूल आंदोलन एवं आर्य समाज की एक शाखा की स्थापना ब्यावर में किसके द्वारा की गई? दामोदर दास राठी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसके किनके द्वारा की गई? बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई? भोगीलाल पांड्या। इज राइट आंसर। नानक भी नमक स्वतंत्रता सेनानी की कार्यस्थली थी। नानक भी नमक स्वतंत्रता सेनानी की कार्यस्थली क्या थी? बूंदी। दैट इज राइट आंसर। नानक भील स्वतंत्रता सेनानी की कार्यस्थली कौन सी थी? बूंदी। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।